व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस एग्जामिनेशन की। तो 6 सितंबर का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करने वाले हैं, पूरा चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, क्या वेटेज थी, पेपर कैसा था, डिफिकल्टी लेवल क्या थी, उसके बारे में बात करेंगे। शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका 9 एएम से 12 पीएम के बीच में था और ये 6 सितंबर शिफ्ट 1 को एग्जामिनेशन हुआ, इसकी आज एनालिसिस करने वाले हैं। आज आपका एग्जामिनेशन का आखिरी दिन था और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करें, जो कि आज के एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 की बात की जाए तो मॉडरेट लेवल का था। शिफ्ट 2 की बात की जाए तो जैसा कि देख सकते हो आप, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में क्वेश्चन था। तो पूरा पेपर एनालिसिस करने वाले हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियोस के अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके ज्वाइन कर लो। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जेईई मेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट आपका 11 सितंबर को रिलीज किया जाएगा और ऑफिशियल आंसर की 10 सितंबर को रिलीज की जा सकती है। एग्जामिनेशन की बात करें तो टोटल अटेंडेंस आपको बता दूं, एग्जामिनेशन में लगभग 80% बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया और 20% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दे पाया, उसमें बहुत सारे रीजन होंगे। 6 सितंबर शिफ्ट 1 एग्जाम एनालिसिस पेपर की एनालिसिस करते हैं। तो शिफ्ट 1 की बात की जाए तो आज आपका आखिरी दिन था और स्टूडेंट्स का जो ये इनिशियल रिएक्शन है उसके बेसिस पे ये पूरा जो एग्ज़ाम एनालिसिस है उसको तैयार किया गया है। तो मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स ने बताया कि क्वेश्चंस लेंदी थे, उनको कैलकुलेशन में ज़्यादा समय लग रहा था। ऑन दी अदर हैंड फिजिक्स सेक्शन की बात करें तो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे और सरप्राइजिंगली जो क्वेश्चन थे वो सिमिलर थे रिलेटेड टू नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप, जो नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप है जो कि गवर्नमेंट द्वारा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा बनाई गई है, उसमें से क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा वो अच्छे से एग्जामिनेशन दे पाए होंगे और उनको ज़रूर से हेल्प हुआ होगा। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा गया था फ्रॉम क्लास 11 सिलेबस, क्लास 11 से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्लास 12th की बात करें तो यहाँ पर से आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओवरऑल 11th और 12th दोनों क्लास के सिलेबस को कवर किया गया, इसीलिए आप जब भी पढ़ते हो तो रिविज़न करते रहना था कि आपको कम से कम हेल्प मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से या फिर नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप से। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चंस मैच किए हैं एग्जामिनेशन में। ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें तो मॉडरेट लेवल का था। डिफिकल्टी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स पेपर की बात करें तो यहाँ पे डिफिकल्ट था लेवल। डिफिकल्ट लेवल ऑफ फिजिक्स की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में था। और केमिस्ट्री की बात करें तो ईजी था, केमिस्ट्री आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर ईजी ही होता है और आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए ईजी होगा। और जो बच्चे जनवरी में एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2021 में, उनको ज़रूर से ये सभी बातें समझनी चाहिए। टॉपिक्स विथ मोर वेटेज इन फिजिक्स, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे, तो ऑप्टिक्स से, यहाँ से आपके कुछ कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, वेब से, मॉडर्न फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स। तो इन चैप्टर ऐसे हैं जहाँ कि यहाँ पे लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन पे यहाँ पे ज़्यादा वेटेज रहता है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ पे मोर वेटेज था इन केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स की बात करें जहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कुल अटेम्प्ट्स की बात करें तो 40 से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं बच्चों ने। और डिफिकल्टी लेवल ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन था आपका टफ, जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इस बार टफ थे। जेईई मेंस एग्जामिनेशन शिफ्ट 2 की बात करें तो एग्जाम एनालिसिस पूरा अपडेट आप लोगों को देने वाला हूँ। ये जो रिएक्शन है ये स्टूडेंट्स के रिएक्शन हैं और उन्होंने जो रिस्पॉन्स किया उसके बेसिस पे ये तैयार किया गया है। तो क्वेश्चंस आपके फिजिक्स सेशन जो थे वो ट्रिकी थे, ओवरऑल क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूरा सिलेबस को कवर किया गया। मैथमेटिक्स सेशन की बात करें तो ओवरऑल लेंदी था और मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों की बात की जाए तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम का लेवल था वो डिफिकल्ट मोड में था शिफ्ट 2 में। तो ये स्टूडेंट का कुछ रिएक्शन था। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में था। डिफिकल्टी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो डिफिकल्ट था, फिजिक्स की बात करें तो डिफिकल्ट था,
केमिस्ट्री की बात करें तो इजी था, तो सेम जैसे पिछले सेशन में था वैसे इस सेशन में भी था। अभी तक अभी पता नहीं चल पाया है कि कौन से चैप्टर से, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स से कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे, तो इसके बारे में अपडेट आपको बाद में मिल जाएगा, मैं बता दूंगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स थे 38 से 42, मतलब जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है और मतलब एक एवरेज अगर माना जाए तो 38 से 42 तक क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं, और डिफिकल्टी लेवल ऑफ न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन था टफ। तो ये जो आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स है ये बच्चों के एनालिसिस के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है, तो ये एक एवरेज लिया जाता है सभी बच्चों को। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे एवरेज भी स्कोर करते हैं, और बहुत सारे बच्चे लो भी स्कोर करते हैं, तो उसको स्पेसिस पे तैयार किया जाता है। तो ये कुछ थी आपकी एग्जाम एनालिसिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक और शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।